हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूनम्स किचन। और अभी हो रहा है शाम के 8 बज रहे हैं और आज मैंने सोचा था कि मैं दलिया बनाऊंगी, इसीलिए मैं शाम को किचन में गई नहीं। लेकिन याशिता जैसी ट्यूशन से आई तो उसने कहा कि इसे दलिया नहीं खाना है। तो अब मैं सोची क्विक में क्या बनाऊं जो हेल्दी भी हो। तो मैं सोची कि क्यों ना वेजिटेबल से हम इसके लिए सैंडविच बनाते और इसको खुश करने के लिए थोड़े से फ्राइंग्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी, जो हम सैंडविच आज बनाने जा रहे हैं ये पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो आप एक बार बिल्कुल इसे ट्राई करना। चलिए शुरू करते हैं। सो ये कुछ वेजिटेबल्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी। तो जो स्वीट कॉर्न है वो हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है, लेकिन तब तक हम फ्राइंग्स बना लेते हैं। तो ये फ्रोज़न वाले हैं और जब तक वो रेडी हो रहे हैं हम अपने वेजिटेबल्स जैसे कैरेट्स, क्यूकम्बर, ऑलिव्स, इन सबको बोल में डालते हैं और इसके साथ हमारे स्वीट कॉर्न भी रेडी हो गए, तो इन्हें भी डाल लेते हैं। सो अब सॉस में हम डालेंगे मेयोनीज, तंदूरी मेयो एंड एट लास्ट पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस नहीं है तो आप टमेटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम एक ब्रेड लेंगे और उसके ऊपर इसे स्प्रेड कर देंगे और बिल्कुल इसे रेडी कर देंगे। अगर आप चाहो तो इसे कुक कर सकते हो, मगर इसे टोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये कोल्ड ही अच्छी लगती है। तो ये हमारे फ्राइज भी रेडी हो गए हैं, इनको हम थोड़ा मसाला डाल के थोड़ा टेस्टी सा बना लेते हैं। और देखिए बिल्कुल तैयार हो गया, आपने देखा ही कितने जल्दी तैयार हो गया। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई इट। टिल देन बाय बाय।